हेलो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपने मेरा टाइटल देखा होगा और आप समझ भी गए होंगे कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो जी हाँ, आप सही समझे, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एल हॉपिटल रूल का यूज करके किसी भी लिमिट के प्रॉब्लम को इजीली कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं स्वराज कुमार वर्मा आज आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में, आपके वाले गुरु जी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एल हॉपिटल रूल जो है क्यों इतना इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है लिमिट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ये जो रोल है, ये बच्चा सबका सबसे फेवरेट रोल होता है, क्योंकि इसमें 1 से 2 सेकेंड में किसी भी लिमिट के प्रॉब्लम को वो एल हॉपिटल रोल लगा के सॉल्व कर देता है। तो चलिए देखते हैं। तो एल हॉपिटल रोल स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि ये कौन कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म रहता है तो ये रूल लगता है। तो मैंने लिख भी रखा है कि जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए होता है और एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स, मतलब कोई एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, एक जी ऑफ एक्स फंक्शन है, ठीक है, तो कौन कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा तभी हम एल हॉपिटल लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। अगर वो 0 बाई 0 हो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म हो तभी हम लोग एल हॉपिटल रूल लगाते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग एल हॉपिटल रूल होता क्या है और उसको लगाते कैसे हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि आपने थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा और डिफरेंशिएशन का यूज हम लोग एल हॉपिटल में करते हैं। तो होता क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टिल 0 बाई 0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी कैन एग्जिस्ट। कहने का अर्थ है कि मान लीजिए एफ ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एक्स है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए है, ठीक है, तो हम लोग न्यूमरेटर को अलग से अपना डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको तब तक डिफरेंशिएट करते जाएंगे, मान लीजिए फिर से इसको अलग अलग हम लोग डिफरेंशिएट करते, तो ऊपर वाला डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, नीचे वाला डिफरेंशिएशन क्या हो गया जी डैश एक्स। ठीक है, इसको जब तक डिफरेंशिएशन करते रहेंगे तब तक कि आपका 0 बाई 0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी जो इनडिटरमिनेट फॉर्म में एग्जिस्ट करता रहा है, और जब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा वहाँ पे हमारा डायरेक्ट लिमिट का मान आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर इसको अगर यहाँ पे भी फिर से आपको 0 बाई 0 का इन्फिनिटी 0 बाई 0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इंटरवल फॉर्म आ रहा है तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से एक बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग 0, फिर आपको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो एफ डबल डैश एक्स जी डबल डैश एक्स। ठीक है, इस तरह का। फिर अगर आपका 0 बाई 0 आ रहा है तो फिर से आपको एक बार और डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो ये होता है आपका ओवरऑल एल हॉपिटल रूल। ठीक है, तो ऐसे आप किसी भी प्रॉब्लम को, लिमिट के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह मैंने जितना मैंने अभी समझाया वो सब मैंने नीचे रख लिया, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो क्या मैंने बताया कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू है एफ डैश एक्स होल डिवाइड बाई जी डैश एक्स, इफ अगेन, अगेन मतलब कहने का, इफ अगेन मतलब कि फिर से अगर 0 बाई 0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म एग्जिस्ट करे तो फिर से हम लोग डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर वहाँ पे भी अगर करेगा तो फिर से हम लोग एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या 0 बाई 0, देन अगेन आपको डिफरेंशिएट करना है, फिर इसके बाद भी हो तो फिर से करते जाना, नीचे करते जाना। ठीक है, जब तक कि आपका 0 बाई 0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म एग्जिस्ट करते रहेगा तब तक आपको डिफरेंशिएट करते रहना है ऊपर वाले को नीचे वाले को। ठीक, मतलब न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को। तो ये होता है आपका ओवरऑल एल हॉपिटल रूल। अभी भी बच्चा सबको डाउट होगा लेकिन एक दो प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कर लेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम जैसे कि दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 रूट ओवर 1 प्लस एक्स माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स होल डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, तो हम पहले ही लेसन से मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि किसी भी लिमिट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है, आपको पहले वो लिमिट को चेक करना है कि वो कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म में है और कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो एल हॉपिटल हम कब लगाते हैं, जब वो 0 बाई 0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म में हो तो उसको हम लोग लगाते हैं, नहीं तो नहीं लगाते हैं। तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो इसको एक्सटेंडिंग 0 रखेंगे तो ये क्या होगा, रूट वन हो जाएगा माइनस रूट वन, मतलब रूट वन माइनस रूट वन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, नीचे तो एक्सटेंडिंग 0 तो 0 हो जाएगा। मतलब कहने का कि आपका कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म है, 0 बाई 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगर 0 बाई 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो हम लोग एल हॉपिटल लगा सकते हैं। तो एल हॉपिटल लगाने का रूल क्या बताया था कि मतलब कि ऊपर वाले का अलग डिफरेंशिएट, नीचे वाले का अलग डिफरेंशिएट। ठीक है, तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन तो आपको पता है कि एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन तो आपका आपका तो हो जाएगा 1। ठीक है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, उसी तरह ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करना है तो ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया। ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करना है कैसे करना है, डी बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स माइनस डी रूट ओवर 1 माइनस एक्स होल डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स। ठीक है,
इसको मैं एक बार इधर साइड में करके दिखा देता हूँ आपको, डी एफ रूट ओवर वन प्लस एक्स होल डिवाइड बाई डी एफ रूट एक्स, ठीक है। तो आपको पता होगा कि रूट ओवर वन प्लस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसको हम लोग लिख सकते हैं वन प्लस एक्स होल पावर वन बाई टू डिवाइड बाई डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका वन बाई टू नीचे आ जाएगा और वन प्लस एक्स होल पावर वन बाई टू माइनस वन हो जाएगा आपका माइनस वन बाई टू। ओके, इसी तरह प्लस एक्स का चैनल में से इंटू वन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल वन प्लस एक्स का हो जाएगा, तो वन माइनस एक्स का इसी तरह होगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट थोड़ा यहाँ पर लिख देता हूँ, आशा करते हैं कि आपको डिफरेंशिएशन आता होगा तो आप इजीली इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो नीचे तो आपका हो गया वन, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका वन डिवाइड बाई टू, रूट में कर दीजिए वन बाई टू है तो नीचे आके प्लस में जाएगा, तो आपका वन प्लस एक्स, ठीक है। माइनस को माइनस रहने दीजिए, इधर भी हो जाएगा आपका टू रूट ओवर वन माइनस एक्स और माइनस वन का टाइम माइनस वन ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका ओवरऑल आपका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। फिर हम लोग इसमें एक्स टेंड टू जीरो पुट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अगर इसमें एक्स टेंड टू जीरो पुट किया जाएगा तो ये क्या होगा, वन बाई टू हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर एक्स टेंड टू जीरो पुट किया जाए तो ये माइनस वन बाई टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब कहने का तो अगर इसमें एक्स टेंड टू आप जीरो पुट कीजिएगा आप यहाँ पे, तो ये इधर आ जाएगा वन बाई टू और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस ये मिलकर ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया आपका वन बाई टू, तो कहने का ये ओवरऑल का इसका आंसर आ गया वन। तो आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत अच्छे से आता है तो आप किसी भी लिमिट के प्रॉब्लम को जो जो जीरो बाई जीरो और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इंटरवल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसका आप इजीली एलोपैथ रूल लगा के लिमिट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह हम लोग सेकेंड सवाल देखते हैं, पहले देख लेते हैं ये कौन सा इंडिटरमिनेंट फॉर्म शो करता है। तो लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी एल एन एक्स डिवाइड बाई एक्स, तो ठीक है, एक्स टेंड टू इन्फिनिटी पर एल एन एक्स तो आपका इन्फिनिटी को टेंड करेगा, नीचे वाला भी इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। तो यहाँ पे हम लोग एलोपैथ लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एलोपैथ लगाने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ एल एन एक्स क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एल एन एक्स होता है आपका वन बाई एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स तो आपको पता ही है क्या होगा, वन वन, ठीक है। तो मैं लगाता हूँ यहाँ पे आपका एल हॉपिटल रूल, यहाँ पे ऊपर लिख दीजिए, जब भी आप एल हॉपिटल रूल लगाइए तो वहाँ पे ऊपर लिख दीजिएगा कि यूजिंग एल हॉपिटल रूल, ओके, एल हॉपिटल्स रूल, ओके। तो एल हॉपिटल रूल्स क्या होता है कि ऊपर वाला का अलग डिफरेंशिएशन, नीचे वाला का अलग डिफरेंशिएशन। तो ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन मैंने क्या बता दिया कि एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन बाई एक्स, और एक्स का डिफरेंशिएशन वन हो गया, मतलब आपका ओवरऑल क्या बच गया, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो वन बाई एक्स बच गया, ठीक है। और एक्स टेंड जीरो पर क्या आ जाएगा आपका वन अपॉन जीरो, जो कि आपको माना जाएगा इन्फिनिटी, मतलब नॉट एग्जिस्ट, इन्फिनिटी बोल सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो यह हुआ आपका ओवरऑल, एक दो क्वेश्चन को और प्रैक्टिस करते हैं ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज कीजिए, फिर सेल्फ ट्राई कीजिए, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपने सॉल्यूशन कर लिया होगा। मैं क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी एक्स डिवाइड बाई ई के पावर एक्स, ठीक है। तो पहले हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। एक्स टेंड टू इन्फिनिटी ऊपर वाला क्या आएगा, ऊपर वाला आपका इन्फिनिटी आ जाएगा, नीचे वाला क्या आएगा, ई के पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, मतलब कहने का अर्थ कि आपका इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, ओके। तो आपको सबसे पहले क्या पता रहना चाहिए कि एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो डी एक्स बाई डी एक्स आपका हो जाएगा वन, और ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई के पावर एक्स ही हो जाता है, ठीक है। तो ये सब अगर आपको थोड़ा सा बहुत अच्छे से डिफरेंशिएशन आता है तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग ऊपर वाला का अलग डिफरेंशिएशन, नीचे वाला का अलग डिफरेंशिएशन कर देंगे यूजिंग एल हॉपिटल, बार बार आप लिख लीजिएगा यहाँ पे एल हॉपिटल का यूज करके, एल हॉपिटल, ठीक है, बार बार आप लिख लीजिएगा ताकि जो एग्जामिनर हो उसको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आप कौन सा रूल यूज़ कर रहे हैं। स्पेशली जो बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो आप नहीं लिखिएगा तो आपका वो मार्क्स काट लेगा, ठीक है। तो इसको लिख दीजिए, लिख दिया कीजिएगा, ठीक है। एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया आपका वन, ई के पर एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया वन, ई के पर एक्स का डिफरेंशिएशन वो ई के पर एक्स। तो अगर इसमें हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन डिवाइड बाई ई के पर इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाता है, वन डिवाइड बाई इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो, मतलब इसका ओवरऑल आंसर आ गया जीरो। सेम आशा करते हैं कि इसका आंसर आपका मैच कर गया, ठीक है। सेम लॉजिक हम लोग इसमें भी लगाएंगे, पहले चेक करेंगे कि कौन सा इंडिटरमिनेंट फॉर्म शो करता है। तो एक्स पर इन्फिनिटी पर क्या होगा, इन्फिनिटी के पर हो कुछ भी कितना भी लार्ज नंबर हो तो इन्फिनिटी आएगा, नीचे भी एक्स के पर इन्फिनिटी सेम आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। तो मैं पहले आपको एक डिफरेंशिएशन बता देता हूँ ताकि आप उससे इसको रिलेट कर सकते हैं, डी और इंटू एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पर एन होल डिवाइड बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन इंटू
एक्स के पावर एन माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स के पावर 1000 है, तो इसको कैसे कर सकते हैं आप, इसको एन क्या है नीचे ला दीजिए, तो 1000 इंटू एक्स के पावर 1000 माइनस वन, तो क्या हो जाएगा 1000 इंटू एक्स के पावर 999, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, तो यूजिंग एल हॉस्पिटल लिख लीजिएगा यहाँ पे, यूजिंग एल हॉस्पिटल लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर वाला डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1000 इंटू एक्स के पावर 999 होल डिवाइड बाई ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स का डिफिनेशन सेम होगा। फिर अगर फिर से अगर आप इसमें रखिएगा इन्फिनिटी, तो फिर से देखिए क्या आ जाएगा, फिर से आप इन्फिनिटी रखिएगा तो क्या आ जाएगा, फिर से आएगा आपका इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। फिर से आप इसमें लगाते जाइए फिर से लगाइएगा, तो ये लगाइएगा तो फिर से इसका क्या होगा, फिर से एक स्टेप और करके दिखाता हूँ इसको क्या करता हूँ, एक मिनट। तो क्या करता हूँ, इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, लिमिट एक्स टेंडिंग 0, फिर से एक बार डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो क्या हो जाएगा 1000 नीचे आ जाएगा, फिर 999 आ जाएगा, फिर उसका हो जाएगा एक्स के पावर 998, फिर नीचे वाला का तो एक बार एक्स ही रहेगा, ठीक है। इस तरह होते जाएगा, तो ये कब तक चलेगा, ये कब तक चलेगा, जब तक कि एक्स टेंडिंग 0, ये कब तक चलते जाएगा, ये तब तक चलते जाएगा 999, फिर आएगा फिर 998, ये तब तक चलते रहेगा तब तक कि नीचे जो है ये 1 आ जाए और x के पावर 0 आ जाए यहाँ पे, ये तब तक चलते रहेगा, ठीक है। नीचे तो आपका e के पावर x ही रहेगा, हमेशा e के पावर x ही रहेगा, ठीक है। तो एक्सटेंड टू इन्फिनिटी पे ये तो हमेशा आपका इन्फिनिटी हो, मतलब नीचे तो आपका हमेशा इन्फिनिटी आने वाला है, ठीक है, लेकिन ऊपर एक टाइम चल के आपका ऊपर एक नॉन जीरो टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर कोई भी कितना भी लार्ज नंबर हो और नॉन जीरो टर्म हो, ठीक है, ऊपर नॉन जीरो टर्म हो तो नॉन जीरो टर्म डिवाइड बाई इन्फिनिटी क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा जीरो, ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक दो और प्रॉब्लम को क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देख लेते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि इसके पहले वाला भी प्रॉब्लम मैंने बता दिया कि उसमें भी हम लोग एक से ज़्यादा बार हम लोग डिफ्रेंशिएट करते जा रहे हैं, मतलब एक से ज़्यादा बार हम लोग एलोप्टर रूल लगाते हैं, इसमें भी हम लोग देखते हैं कितना बार इसमें एलोप्टर लगा सकते हैं, ठीक है। तो पहले सवाल देखते हैं कि ये सवाल कौन सा फॉर्म में है, तो ई के पावर जीरो क्या होता है, 1 1 - 1 - 0, तो क्या हो जाएगा, ऊपर आ गया 0, नीचे भी आपका आ गया 0, मतलब 0/0 इन रिमेन फॉर्म में है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो बाय यूजिंग एलोप्टर रूल, ठीक है, एलोप्टर रूल। तो कैसे करते हैं, ऊपर अलग अलग डिफ्रेंशिएशन, नीचे अलग अलग डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई के पावर एक्स, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन 2x, ठीक है। फिर से हम लोग इसमें पुट करके देखते हैं क्या होता है, तो ई के पावर 0 1 1 - 0 - 1 क्या होगा, ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे 0 पर टेन करेगा तो क्या हो जाएगा 0, तो ऊपर ओवरऑल आपका क्या आएगा 0/0 इन डिटरमिनेंट फॉर्म, ठीक है। तो फिर से आप यूजिंग एल हॉपिटल रूल, ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग 0, फिर से ऊपर वाला डिफ्रेंशिएशन ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई के पावर एक्स, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, 0 का डिफ्रेंशिएशन 0 तो होता है ये, 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 हो जाएगा, तो मतलब बच जाएगा आपके पास ई के पावर एक्स होल डिवाइड बाई 2, लिमिट हो गया एक्स टेंडिंग 0 ई के पावर एक्स होल डिवाइड बाई 2, क्या, ठीक है। ई के पावर 0 होल डिवाइड बाई 2, मतलब ई के पावर 0 का मान आ गया आपका 1/2, मतलब ओवरऑल आपका आंसर आ गया 1/2, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका 1/2, ठीक है। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं किसी भी लिमिट की प्रॉब्लम को, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल का सबसे ज़्यादा यूज कहाँ पे होता है, तो वो इस टाइप के प्रॉब्लम में होते हैं, क्यों, और इस टाइप के प्रॉब्लम क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी टाइप के प्रॉब्लम आपको कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। किस टाइप के कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, लाइक जेई मेन, जेई एडवांस हो गए, इस टाइप के कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आपको पूछे जाते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे बेसिक लॉजिक क्या है, सबसे बेसिक लॉजिक है कि आपको वो 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म को ध्यान में रखना है। तो क्यों वो ध्यान में रखना है, मैं एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर आप मैं जब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसको आप सेल्फ ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कैसे करेंगे, कैसे हम लोग एलोप्टर लगाएंगे, कैसे वो 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म को हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो पहले तो लिमिट मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ, पहले क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग 0 ए ई के पावर एक्स माइनस बी होल डिवाइड बाई एक्स दिया हुआ है 2, ठीक है। और इसमें पूछ रहा है कि ए का मान बताना है, बी का मान बताना है, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन ए का मान बताना है, बी का मान बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको तो 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। तो क्यों यूज होने वाला है वो मैं बताता हूँ कैसे यूज होने वाला है, ठीक है। तो एक्स टेंडिंग टू जब 0 पुट करें तो देखिए नीचे तो 0 हो जा रहा है,
अगर ऊपर वाला हम लोग कुछ कह नहीं सकते, अगर लेकिन नीचे जीरो पुट हो रहा है, मतलब नीचे जीरो आ रहा है, तो हमारे पास सेवन इन रिटर्न फॉर्म में कौन सा ऐसा इन रिटर्न फॉर्म है जिसमें जो नीचे जीरो आता है, तो एक ही है, वो कौन सा है, जीरो बाय जीरो। मतलब कहने का अर्थ है लिमिट एक्स टेन टू अगर जीरो रख रहे हैं तो ऊपर क्या है ए के पावर एक्स माइनस बी और नीचे आपका आ जा रहा है जीरो। तो अगर हमको जीरो बाय जीरो फॉर्म बनाना है तो यानी जरूरी एकदम मस्ट इम्पोर्टेंट है, मस्ट नेसेसरी है कि ऊपर वाला जो है वो भी जीरो होना चाहिए। तो ऊपर वाला जीरो कैसे होगा, ई के पावर जीरो माइनस बी, मतलब ऊपर वाला ऐसे जीरो होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए बराबर बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमको पता चल गया ए बराबर बी हो जब जीरो, तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये जीरो बाय जीरो इनडिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो जहाँ पे जीरो बाय जीरो इनडिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं वहीं पर हम लोग एल हॉपिटल रूल लगा देते हैं, तो यूजिंग एल हॉपिटल रूल। ठीक है, एल हॉपिटल रूल लगाएंगे यहाँ पे, तो ये इसको लगाते हैं यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, इसको लगाएंगे क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेन जीरो ए इंटू एक ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई के पावर एक्स, बी का डिफ्रेंशिएशन जीरो, एफ का डिफ्रेंशिएशन वन। देखिए ये हो गया, फिर से हम लोग इसमें एक्स टेन टू जीरो पुट करते हैं, देखते हैं कि कोई इंटरमीडिएट फॉर्म बन रहा है कि नहीं या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग ई के पावर एक्स एक्स टेन जीरो पुट करें तो क्या होगा, ई के पावर जीरो हो जाएगा, नीचे हो गया वन, मतलब कि कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं बना, सिर्फ बच रहा है ए बच रहा है, मतलब कि जो लिमिट के मान है वो ए बच रहा है। और हमको क्वेश्चन में क्या दिया, लिमिट के मान, ओवरऑल लिमिट के मान दे दिया टू, मतलब कि यहाँ पे एल के मान हो गया टू, मतलब कि ए बराबर आपका आ गया टू। और फर्स्ट कंडीशन में मेरे पास ए बराबर क्या आ गया था, बी, मतलब कि आप यहाँ से बोल सकते हैं कि बी का भाई भी मान आ गया आपका टू। ऐसे आप इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक प्रॉब्लम का प्रैक्टिस कराते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पहले इस क्वेश्चन को आप सेल्फ ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ, तो आप इसको आंसर देखिएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपने इसको ट्राई कर लिया होगा, तो मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो क्या है क्वेश्चन, क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ए प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी साइन एक्स होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो फिर से देख सकते हैं कि नीचे जो एक्स स्क्वायर है, अगर एक्स टेंडिंग जीरो करेंगे तो नीचे जीरो बन जा रहा है, यानी हमको ऊपर वाला भी जीरो बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जीरो बाई जीरो इनडिटरमिनेंट फॉर्म बन सके। ठीक है, तो ऊपर में बना के देखता हूँ कैसे बनाएंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग जीरो, अगर ऊपर जीरो बनाना है तो ऊपर अगर एक्स टेंडिंग जीरो पुट करें तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कॉस जीरो क्या होता है वन होता है, साइन जीरो क्या होगा जीरो हो जाएगा, मतलब सी इंटू जीरो, ये आपका जीरो बनना चाहिए। तो ये जीरो बनने के लिए कंडीशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको क्या हो गया, ए प्लस बी आपका हो जाएगा जीरो बराबर, मतलब यहाँ से आपका आ गया ए बराबर माइनस बी। तो इस तरह करके आपको ऊपर भी जीरो कन्वर्ट हो गया, नीचे भी जीरो कन्वर्ट हो गया, मतलब कहने का जीरो बाई जीरो में कन्वर्ट हो गया है, मतलब जीरो बाई जीरो इन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो मतलब कहने का यहाँ पे आप एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं। तो यूजिंग एल हॉपिटल रूल, लिमिट एक्सटेंड जीरो, ऊपर हम लोग एल हॉपिटल रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए का डिफ्रेंशिएशन जीरो प्लस बी कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस बी साइन एक्स होल डिवाइड बाई होल डिवाइड, फिर साइन एक्स बचा है। ठीक है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सी कॉस एक्स होल डिवाइड बाई टू एक्स, नीचे वाला डिफ्रेंशिएशन टू एक्स। ठीक है, फिर से हम लोग इसमें एल हॉपिटल लगाते हैं, फिर से हम लोग इसमें एक्स टेन में जीरो पुट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, कौन सा इनडिटरमिनेंट फॉर्म शो करता है। देख रहे हैं कि नीचे वाला जो है जीरो को टेंड कर रहा है, मतलब ऊपर वाला को भी हमको जीरो को टेंड करना है, तो ऊपर वाला को जीरो को टेंड करने के लिए क्या करेंगे, माइनस बी साइन जीरो जीरो और सी कॉस जीरो क्या होता है वन, मतलब यहाँ से आपका आ गया सी बराबर जीरो, यहाँ से आ गया आपका सी बराबर जीरो। ठीक है, तो इस तरह आपका ये किस में कन्वर्ट हो गया, इसको इस बराबर जीरो बाई जीरो इनडिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो फिर से हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं, अगेन यूजिंग एल हॉपिटल रूल। ठीक है, कैसे करते हैं देखते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग जीरो, ये हो गया आपका बी माइनस बी साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस बी कॉस एक्स, सी कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया आपका सी माइनस साइन एक्स होल डिवाइड बाई नीचे हो गया टू। फिर से हम लोग इसमें अगर एक्स टेंडिंग जीरो पुट करते हैं देखते हैं क्या होगा, तो ऊपर होगा आपका माइनस बी कॉस जीरो वन हो जाएगा और साइन जीरो तो जीरो होता है डिवाइड बाई टू, ये बच जाए आपका। ठीक है, ये आपका ओवरऑल एल होता है, मतलब ओवरऑल ये लिमिट का मान माइनस बी बाई टू आ रहा है। और हमको क्वेश्चन में क्या कि मैंने कि लिमिट का मान क्या है टू, मतलब कि एल का मान यहाँ पे आ गया आपका टू, मतलब कहने का आपकी यहाँ पर अपन माइनस बी बराबर फोर, मतलब बी बराबर आपका यहाँ से आ गया फोर। ठीक है, और हम लोग फर्स्ट कंडीशन में क्या निकाले थे कि ए बराबर क्या है माइनस बी, मतलब ए बराबर माइनस टी, ये माइनस बी हो जाए माइनस फोर हो जाएगा ना। ठीक है, तो बी बराबर माइनस फोर, तो माइनस टाइम्स माइनस फोर होल, ये हो जाएगा आपका ए बराबर फोर। ठीक है, तो आपका ओवरऑल क्या क्या मान आ गया ए बी सी का, ए का मान आ गया आपका, ए का मान आ गया फोर, बी के मान आ गया आपका माइनस फोर, सी के मान आ गया आपका जीरो, जैसे आ गया। ठीक है, तो ऐसे आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जो इस टाइप के प्रॉब्लम हो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है,
ये क्यों इम्पोर्टेंस वाला है, अभी कुछ देर बाद आपको पता चल जाएगा क्यों ये इम्पोर्टेंस वाला है, ठीक है। तो बढ़ते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे ये कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म शो कर रहा है, ठीक है। तो एक्सटेंडिंग जीरो पे क्या है, ये जीरो मतलब नीचे वाला जीरो, यानी ऊपर वाला को भी जीरो होना पड़ेगा, वो कैसे जीरो होगा, तो एक्सटेंडिंग जीरो पुट कर दें, एक बार जीरो वन हो गया, कॉस जीरो वन होता है, एक बार माइनस जीरो आपका हो जाएगा वो भी वन, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, मतलब जीरो। मतलब कहने का कि आपका फर्स्ट इक्वेशन से क्या आ गया, ए माइनस बी प्लस सी बराबर आ गया आपका जीरो, ये फर्स्ट हो गया, ठीक है, यहाँ से आपका इतना गया, ये जीरो बाई जीरो में कन्वर्ट हो गया। जब जीरो बाई जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये उसमें हम लोग एल ऑप्टर लगा सकते हैं यूजिंग एल ऑप्टर रूल, ठीक है, एल ऑप्टर रूल लगा दिए तो क्या लगेगा, लिमिट एक्सटेंड इनटू जीरो, ऊपर वाला डिफरेंशिएशन करते हैं तो ए के पर एक्स का डिफरेंशिएशन, ए के पर एक्स इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी साइन एक्स हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे सी ई के पावर माइनस एक्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस सी ई के पावर माइनस एक्स, ओके, होल डिवाइड हुई आपका नीचे हो जाएगा साइन एक्स, फिर हो जाएगा प्लस एक्स कॉस एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि नीचे वाला कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म देखते हैं, एक्स टेन जीरो जीरो, ये जीरो मतलब नीचे वाला जीरो को टेन करें, यानी ऊपर वाला को भी जीरो को टेन करना चाहिए, क्या होगा ऊपर वाला ई के पावर जीरो वन हो जाएगा, साइन जीरो जीरो हो जाएगा, फिर माइनस सी ई के पावर जीरो जीरो हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा आपका, मतलब ए बराबर सी यहाँ से आपका आ जाता है, ए बराबर सी यहाँ से आ गया आपका, ठीक है, ये हो गया। फिर इसमें जब जीरो बाई जीरो में ये भी कन्वर्ट हो गया, ये जीरो बाई जीरो में, तो इसमें भी हम लोग एल ऑप्टर लगा सकते हैं, तो अगेन एल ऑप्टर रूल, ठीक है, तो क्या लगेंगे लिमिट एक्स नहीं जीरो, ये हो गया आपका ए के पावर एक्स, ये हो जाएगा आपका बी कॉस एक्स, ये हो जाएगा प्लस ई के पावर माइनस एक्स, ठीक है। नीचे वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, यहाँ पे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, यहाँ पे आपका हो जाएगा फिर कॉस एक्स, फिर हो जाएगा इधर माइनस एक्स साइन एक्स, ठीक है। तो अब हम लोग एक्सटेंडिंग जीरो लगा रहे थे, देखते हैं क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे जीरो लगाएं तो ये वन ये दोनों मिलकर आपका हो गया टू, इधर जीरो मतलब टू माइनस जीरो मतलब नीचे वाला आपका आ रहा है टू, मतलब ऊपर वाला भी आपका नॉन जीरो टर्म आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म शो नहीं कर रहा है। तो ऊपर वाला क्या देखते हैं, एक्सटेंडिंग जीरो पे एक बार जीरो ये हो गया वन, ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है, मतलब ऊपर वाला इतना आ रहा है, मतलब टोटल ओवरऑल कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइड बाई टू, मतलब ये आपका ओवरऑल लिमिट का मान आ रहा है, ठीक है। और लिमिट मान हमारे पास क्या गिवन है, लिमिट मान मेरे पास गिवन है टू, मतलब कहने का मैं लिख दे रहा हूँ ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइड बाई टू इजक्वल टू आ रहा है लिमिट मान टू, मतलब कहने का यहाँ से आ गया आपका ए प्लस बी प्लस सी बराबर आ रहा है फोर, तो एक इक्वेशन ये आ गया और एक इक्वेशन ये है ऊपर, ठीक है, और एक ये है ए बराबर सी है, तो देख लें हम लोग ए बराबर सी अगर इसमें ए बराबर सी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा टू सी माइनस बी हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। अगर इसमें हम लोग ए बराबर सी पुट करते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा टू सी प्लस बी बराबर हो जाएगा फोर, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन को, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये आप सबट्रैक्ट कर दीजिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर सी बराबर फोर, मतलब यहाँ से आपका आ गया सी बराबर वन, ओके सी बराबर वन आ गया। और इसमें पुट करेंगे किसी एक में तो क्या हो जाएगा टू इंटू वन माइनस बी बराबर जीरो, ये आ गया आपका बी बराबर टू, ओके यहाँ से आपका बी बराबर टू आ गया। और हमको पता है कि ए बराबर सी आ गया है, तो ए बराबर सी मतलब ए का भी मान आपका वन आ गया, तो ए के मान वन आ गया, बी के मान टू आ गया और सी के मान वन आ गया, मतलब कहने का कि आपका ए के मान वन, बी के मान वन, बी के मान टू और सी के मान वन आ गया। देखिए यहाँ पे ए बराबर सी था, ठीक है, तो ये वन है, वन माइनस वन, तो सी के मान भी वन है। तो इस तरह से आप इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं यूजिंग एल ऑप्टर रूल, आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, अगर आप चाहते हैं कि ये इस वीडियो का फ़ायदा कोई और भी स्टूडेंट उठा सके तो प्लीज़ इसको शेयर करना ना भूलें, ठीक है।